गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, माई सेल्फ रुचि गुप्ता फ्रॉम हैप्पी कैमरी स्कूल। न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करें बेटा, एक्सरसाइज 5F। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करके इसमें आपका रिमाइंडर बचेगा, आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर नीचे मेंशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 169 को डिवाइड करना है 5 से। अब ये 5 एक डिजिट है, सिर्फ 1 नहीं लेना क्योंकि 1 के नीचे तो 5 नहीं आएगा, तो दो डिजिट लेंगे 16। 16 से स्मॉल नंबर क्या है 15, 5 3 15, माइनस करेंगे ऊपर से उतारेंगे 19, फिर 5 3 15। इसे छोटा नंबर लेना है क्योंकि हमें माइनस करना होता है, ठीक है। क्वोशेंट 33 एंड रिमाइंडर इज 4। बी पार्ट है 599 को डिवाइड करेंगे 4 से। अब देखो यहाँ पे अगर हम एक डिजिट लेते हैं तो 5 के नीचे 4 जा रहा है ना, इसलिए हमने एक डिजिट लिया, लेकिन यहाँ पे 1 के नीचे 5 नहीं जा रहा बेटा, इसलिए हमको यहाँ पे दो डिजिट लेने हैं और यहाँ पे एक ही डिजिट लेना है। इसलिए पहले छोटा बड़ा चेक किया करो, 4 1 4, माइनस किया ऊपर से उतारा, अब बन गया 19। अब 4 के टेबल पे 19 तो आता नहीं, तो 19 से स्मॉल नंबर क्या है 16। अब 19 के नीचे आपको 12 नहीं लिखना, पहले आप चेक करेंगे 19 से बड़ा क्या है 20। अब 19 के नीचे 20 लिख के तो माइनस नहीं कर सकते, इसलिए इससे ऊपर वाला नंबर लोगे, 4 4 16, माइनस किया ऊपर से उतारा, बन गया 39, ठीक है। अब 4 के टेबल में 39 से स्मॉल क्या है 36, 4 9 36, माइनस करके रिमाइंडर बच गया। अब आपके पास ऊपर से उतारने के लिए कोई डिजिट नहीं है, ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म। आपका क्वेश्चन है 149 एंड रिमाइंडर इज 3। एम पार्ट है 823 को डिवाइड करना है 4 से, 4 2 8। अब देखो एक ही डिजिट लिया है हमने, ठीक है, अब हमने ऊपर से उतारा 2, अब 2 के नीचे 4 जा रहा है नहीं जा रहा, ना जाने के 0 लगेगी, 3 उतारेंगे बन गया 23। अब फिर 4 के टेबल पे देखो 23 से छोटा क्या है 20, 4 5 20, माइनस करेंगे, क्वोशेंट 205 एंड रिमाइंडर इज 3। जब आप ऊपर से इकट्ठे दो डिजिट नीचे उतारेंगे बेटा, तो आपको क्वोशेंट में एक 0 लगानी होती है, ठीक है, क्योंकि एक बारी में एक ही डिजिट हम नीचे उतार सकते हैं। 806 को 8 से डिवाइड करना है, 8 1 8, ऊपर से उतारा 0, ठीक है, अब देखो 0 के नीचे 8 जा रहा है नहीं जा रहा, अब दूसरा डिजिट उतारा 6, पहले 0 उतारा नहीं जा रहा है, ना जाने की 0, फिर हमने 6 उतारा, अब 6 के नीचे भी 8 नहीं जा रहा, फिर ना जाने की 0, ठीक है। तो क्वेश्चन अब ऊपर से उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो ये आपका रिमाइंडर है, क्वेश्चन 100 एंड रिमाइंडर इज 6। 624 को 6 से डिवाइड करना है, 6 1 6, ठीक है, फिर ऊपर से 2 उतारा, अब 2 के नीचे तो 6 नहीं जा रहा, ना जाने की 0, फिर ऊपर से 4 उतारा, अब बन गया 24, 6 के टेबल पे 24 आता है, यस 4 पे, 6 4 24, माइनस करके रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसमें सिर्फ क्वोशेंट लिखेंगे 104 क्योंकि इसमें रिमाइंडर तो है ही नहीं। 538 को 3 से डिवाइड करना है, अब देखो हम सिर्फ एक डिजिट लेंगे, क्यों, क्योंकि 5 से छोटा है 3, 3 1 3, हम इसके नीचे लिखे माइनस कर सकते हैं ना, माइनस किया ऊपर से उतारा बन गया 23। अब 3 के टेबल में 23 से स्मॉल, 3 7 21, माइनस किया फिर ऊपर से उतारा बन गया 28, 3 9 27, माइनस कर दिया, क्वोशेंट 179 एंड रिमाइंडर इज 1। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन में बेटा आपको डिवाइड भी करना है और चेक भी करना है, ठीक है, हर क्वेश्चन को पहले डिवाइड करेंगे फिर चेक करके दिखाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में चेक नहीं करना, सिर्फ डिवाइड करनी है। 23 को 5 से डिवाइड करना है, 5 4 20, अब हमने यहाँ पे दो डिजिट लिए हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 के नीचे तो 5 नहीं आता, इसलिए दो डिजिट लेंगे। क्वेश्चन आपका 4 है, 3 आपका रिमाइंडर है और 5 आपका डिवाइजर है, ठीक है। अब चेक कैसे करेंगे कि आपके क्वेश्चन और रिमाइंडर राइट है या रॉन्ग है, इन दोनों के मल्टीप्लाई, 5 4 20, उसमें रिमाइंडर प्लस करेंगे, अब आ गया 23, अब ये सेम है 23, यस, तो इट मीन्स क्वोशेंट एंड रिमाइंडर आपका राइट है। 72 को 7 से डिवाइड करना है, 7 1 7, ऊपर से उतारा 2, ठीक है, अब 2 के नीचे 7 नहीं जा रहा, तो ना जाने के 0 लगाएंगे, क्वोशेंट 10 एंड रिमाइंडर 2, अब चेक करना है इन दोनों के मल्टीप्लाई, क्वोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर 70, उसमें रिमाइंडर प्लस करेंगे 2, अब ये 72 आ गया आपका, अगर ये सेम है इट मीन्स आपका क्वेश्चन एंड रिमाइंडर राइट है। 457 को 9 से डिवाइड करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमने दो डिजिट ली, क्यों, क्योंकि 4 के नीचे तो 9 नहीं जा रहा, इसलिए दो डिजिट लेंगे, 45,
9 के टेबल पे 45 आता है, यस 9 5 ज़ा 45। 7 उतारेंगे, अब देखो 7 के नीचे 9 नहीं जा रहा ना, तो ना जाने की ज़ीरो लगानी है। क्वेश्चन 50, रिमाइंडर 9। क्वेश्चन और डिवाइज़र दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें रिमाइंडर 7 प्लस किया, 457। देखो ये सेम है, इट मीन्स क्वेश्चन एंड रिमाइंडर राइट है। 704 को 5 से डिवाइड करना है, 5 5 ज़ा 5, माइनस किया ऊपर से उतारा बन गया 20। फिर 5 का टेबल बोलो, 5 4 ज़ा 20। अब ऊपर से उतारा हमने 4, अब देखो 4 के नीचे 5 जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ना जाने की ज़ीरो ज़रूर लगानी है, ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर चेक करना है क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइज़र, मल्टीप्लाई किया उसके अंदर रिमाइंडर प्लस किया, क्या आ गया 704। सेम है डिविडेंड, इट मीन्स क्वेश्चन एंड रिमाइंडर राइट है। पी पार्ट है, 841 को 9 से डिवाइड करेंगे, अब देखो 8 के नीचे 9 नहीं जा रहा ना, दो डिजिट लेंगे 84, 9 9 ज़ा 81, माइनस किया ऊपर से उतारा बन गया 31। अब 9 के टेबल में 31 आता है, नहीं आता, 31 से स्मॉल नंबर, 9 3 ज़ा 27, तो माइनस करेंगे, रिमाइंडर बच गया 4, क्वेश्चन आ गया 93। चेक करने के लिए 93 मल्टीप्लाई 9, रिमाइंडर प्लस करेंगे 4, आंसर आ गया आपका 841। सेम है, इट मीन्स क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आपका राइट है। एक्सरसाइज 5F, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैथ्स की कॉपी में करना है। ओके, थैंक यू।